हेलो गाइस, आई एम सौरभ त्रिपाठी। गाइस, आप लोग को एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपने अपने यूट्यूब चैनल को मोनिटाइज के लिए भेजा और गाइस आप लोग को कुछ इस तरह प्रॉब्लम शो हो रहा है, सेटअप एडसेंस फॉर यूट्यूब। और नीचे साइड दो ऑप्शन दिया है, एक ऑप्शन दिया है फिक्स इन एडसेंस का और सेकेंड ऑप्शन दिया है चेंज अकाउंट का। तो गाइस, कैसे इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है? आपके यूट्यूब चैनल पर यह प्रॉब्लम आ चुका है तो कैसा सॉल्व होगा, आज की मैं इस वीडियो में यही आपको बताने वाला हूँ। और गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद 100% मैं इतना गारंटी लेता हूं कि आप लोग को कोई और वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसी वीडियो में आप लोग का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और गाइस, ये जो प्रॉब्लम आप देख रहे हो आपके चैनल पर है, आपको किस रीजन से मिलता है? गाइस, मैं आप लोग को बता दूं, जैसे कि आप लोग जब गूगल एडसेंस बनाते हो तो आप लोग एक जीमेल सेलेक्ट करते हो। गाइस, उस जीमेल से आपका ऑलरेडी गूगल एडसेंस बना रहता है, इस कारण से ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। या आप एडसेंस जब बनाते हो तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन भरा रहता है, इंफॉर्मेशन में आप कुछ गलती कर देते हो, मिस्टेक कर देते हो, जिसके कारण यहाँ पे आपको पकड़ा देता है सेटअप एडसेंस फॉर यूट्यूब और दो ऑप्शन नीचे दिया है। गाइस, इसका मतलब है यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको आप यहाँ पे सॉल्व करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे फिक्स इन एडसेंस पे क्लिक करके आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, या चेंज अकाउंट पे क्लिक करके इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। आप लोग को किस पे क्लिक करना है ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आप लोग को समझाने वाला हूँ। अब वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, आपका ये प्रॉब्लम आ चुका है। अब चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आपका ये जो भाई है आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व करके ही दिखाएगा। गाइस, यहाँ पे आप देखोगे तो ये ऑप्शन आपको दिया है और आप लोग यहाँ पे फिक्स इन एडसेंस पे क्लिक करोगे। आप लोग को प्रॉब्लम पता है कि मैं उसी जीमेल से गूगल एडसेंस बना लिया हूँ या गूगल एडसेंस में कुछ गलती हो गया है, फिक्स इन एडसेंस पे क्लिक करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता हूँ। बहुत लोग के माइंड में ये चलता है, बट गाइस ये काम आप करोगे तो बहुत बड़ी गलती यहाँ पे आप करोगे। फिक्स इन एडसेंस पे क्लिक करोगे, आप प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करोगे, आप लोग का और प्रॉब्लम यहाँ पे बिगड़ जाएगा। फिक्स इन एडसेंस पे आपको क्लिक नहीं करना है, आप भूल के भी यहाँ पे क्लिक मत करना। आप क्लिक करोगे, आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे, आप लोग का फिर प्रॉब्लम और बड़ा हो जाएगा। तो गाइस, आप लोग को करना क्या है, यहाँ पे चेंज अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप लोग करिए क्या, एक नया गूगल एडसेंस क्रिएट कर लीजिए, आपका तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा जैसे आप लोग गूगल एडसेंस बनाओगे। तो गाइस, आप लोगों को गूगल एडसेंस एक नया बनाना है, क्रिएट करना है। आप लोग को फिक्स इन एडसेंस पे क्लिक नहीं करना है, भूल के भी क्लिक मत करना, नहीं तो आगे चल के और भी प्रॉब्लम आप लोग को देखने को मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ चेंज अकाउंट पे, अब चेंज अकाउंट पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे तीन ऑप्शन है, आप लोग को करना क्या है, सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है, नो आई नीड टू क्रिएट वन। यहाँ पे बोल रहा है कि मैं एक नया गूगल एडसेंस क्रिएट करना चाहता हूँ, एक बनाना चाहता हूँ, तो सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अब जैसे आप लोग नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ये पेज आपको लेकर चला जाएगा क्रोम ब्राउजर के पेज में। अब क्रोम ब्राउजर के पेज में आने के बाद यहाँ पे आप देखोगे आपका पूरा जीमेल शो हो जाएगा, जितना भी जीमेल आपके मोबाइल में रहेगा। बट गाइस, यहाँ पे गलती नहीं करना है, आप लोग को उस जीमेल पे क्लिक नहीं करना है जो इससे पहले आप गूगल एडसेंस बनाने के लिए सेलेक्ट किए थे, उस जीमेल को भूल के भी क्लिक नहीं करना है। आप लोग को अदर जीमेल से गूगल एडसेंस बनाना है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे मेरा बहुत सारा यहाँ पे जीमेल हो रहा है, मैं अपने एक जीमेल से यहाँ पे गूगल एडसेंस बना लूंगा। और गाइस, आप लोग का अदर जीमेल नहीं है तो आप लोग जैसे जीमेल बनाते हो वैसे आप जीमेल क्रिएट कर लेना और आप लोग का जीमेल यहाँ पे शो होने लगेगा जब आप बना लोगे। तो आप लोग को करना क्या है, उस जीमेल से आपको गूगल एडसेंस बनाना है जो नया जीमेल आप क्रिएट किए हो, आप बनाए हो, या आपका अदर जीमेल है तो उस जीमेल से आपको गूगल एडसेंस बनाना है। जैसे कि यहाँ पे मैं अदर जीमेल पे क्लिक कर देता हूँ। अब गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पेज मुझे लेके चला जाएगा गूगल एडसेंस के पेज में। अब यहाँ पे आप देखोगे लिखा क्या है नीचे साइड, योर चैनल और आपके चैनल का लिंक दिया रहेगा। और उसी के जस्ट नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस कंट्री के हो, एरो पे आप क्लिक करना, आपका जो भी कंट्री रहेगा यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लिया हूँ, मैं इंडिया का हूँ। अब गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो छोटा सा टर्म्स ओपन हो चुका है, इसको आप नीचे साइड स्वाइप करना। अब नीचे साइड स्वाइप करोगे तो लास्ट में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे लिखा रहेगा आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। और गाइस, इस साइड आप देखोगे तो एक बॉक्स है, इस बॉक्स पे आप टिक लगाना और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा साइन अप अकाउंट। तो आप लोग को करना क्या है, साइन अप अकाउंट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लोग साइन अप अकाउंट पे क्लिक करोगे गाइस, ये पेज लोडिंग होगा और लोडिंग होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पे लिखा है कस्टमर इन्फॉर्मेशन। गाइस, बहुत लोग यहाँ पे भी कुछ गलती कर देते हैं जिनके कारण उनके सेकंड स्टेप में एरर आता है सेटअप एडसेंस फॉर यूट्यूब का। तो गाइस, यहाँ पे भी आपको गलती नहीं करना, मिस्टेक नहीं करना है। और यहाँ पे कौन सा इन्फॉर्मेशन देना है, कैसे इन्फॉर्मेशन देना है सही से, चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ।
गाइस आपको लेना है अपना आधार कार्ड। आपके आधार कार्ड में आपका 18 साल कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो आप मम्मी या पापा का आधार कार्ड यूज कर सकते हो। बट गाइस यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को ध्यान में देना है, जो आधार कार्ड पहले आप यूज किए थे, आप लोग पहले भी ये इन्फॉर्मेशन आप भरे थे, ऐसा इन्फॉर्मेशन आप भरे थे और इसमें आप आधार कार्ड का इन्फॉर्मेशन आप दिए थे, तो गाइस उस आधार कार्ड को यूज नहीं करना है जो आधार कार्ड का इन्फॉर्मेशन आप पहले इसमें दिए थे। आप लोग को दूसरा आधार कार्ड लेना है, मम्मी का ले लीजिए या पापा का आधार कार्ड अब यहाँ पे यूज करना है। आप अपना आधार कार्ड यूज कर लिए थे पहले, तो आप लोग को अपना नहीं यूज करना है, मम्मी या पापा का आधार कार्ड यूज करना है। और गाइस एक चीज़ और आप लोग को ध्यान में देना है, जिनका आधार कार्ड आप यूज कर रहे हो उनका ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड होना जरूरी है, दोनों में की एक चीज़ होना जरूरी है। अब क्यों जरूरी है ये भी मैं आप लोग को यहाँ पे बता दे रहा हूँ। गाइस अभी आप आधार कार्ड का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप दोगे, आपका यूट्यूब चैनल मोनिटाइज हो जाएगा, मोनिटाइज में कोई दिक्कत नहीं होगा। मोनिटाइज होने के बाद गाइस आप लोग पैसे कमाओगे अपने चैनल से, और आपके चैनल पर जब $10 कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग को गूगल एडसेंस पिन मंगवाना पड़ता है, और गूगल एडसेंस पिन आपके घर पर कब आएगा, जब आप ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड का फोटो सेंड करोगे तब जाकर आपको गूगल एडसेंस पिन आपके घर पे आता है। तो आप लोग एक चीज ध्यान में रखना, जिनका आधार कार्ड यूज कर रहे हो उनका ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड होना जरूरी है, तभी आप उनका आधार कार्ड यूज करना है। अब जैसे गाइस यहाँ पे मैं आधार कार्ड ले लेता हूँ, अब आधार कार्ड का इन्फॉर्मेशन कैसे आप लोग को भरना है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैं अपना आधार कार्ड ले लिया हूँ। अब आधार कार्ड आप ले लोगे, मम्मी का या पापा का आधार कार्ड ले लोगे, तो कैसे इन्फॉर्मेशन भरना है गाइस यहाँ पे आपको फर्स्ट में देखने को मिलेगा अकाउंट टाइप। गाइस अकाउंट टाइप में आपका इंडिविजुअल रहना चाहिए, गलती से बिजनेस यहाँ पे सेलेक्ट है, ऐसे ऑलरेडी यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट रहता है बट गलती से यहाँ पे बिजनेस यहाँ पे शो हो रहा है, तो आप लोग को करना क्या है, इसको चेंज करना है। एरो पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे बिजनेस और इंडिविजुअल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप लोग इंडिविजुअल पे क्लिक करना है, आपका ये इंडिविजुअल होना चाहिए। अब गाइस यहाँ पे नीचे साइड आप देखोगे, यहाँ पे दिया है नेम एंड एड्रेस और यहाँ पे दिया है नेम, तो नेम आपको कौन सा देना है, आपके आधार कार्ड में जो भी नेम रहेगा, जिनका भी आधार कार्ड आप यूज कर लो उनके आधार कार्ड में जो नेम रहेगा वही नेम आपको देना है। जैसे मेरे आधार कार्ड में नेम है सौरभ त्रिपाठी, तो यहाँ पे मैं नेम पे लिख दूंगा सौरभ त्रिपाठी जो भी मेरा नेम रहेगा। अब गाइस यहाँ पे आपको नीचे साइड देखने को मिलेगा एड्रेस लाइन फर्स्ट, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग को कौन सा एड्रेस देना है। गाइस आधार कार्ड का एड्रेस आपको देना है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये आधार कार्ड है, अब इसको जब मैं पीछे साइड पलटा तो यहाँ पे एड्रेस दिया है। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो इसी एड्रेस को आप लोग को सेम यहाँ पे एड्रेस लाइन फर्स्ट में भर देना है। अब गाइस यहाँ पे उसी के नीचे आपको देखने को मिलेगा एड्रेस लाइन सेकंड, एड्रेस लाइन सेकंड में कौन सा एड्रेस देना है। गाइस एड्रेस लाइन सेकंड में जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो आधार कार्ड में एड्रेस है आपका बड़ा है, फर्स्ट लाइन में नहीं हटा रहा है एड्रेस, तो सेकंड लाइन का यूज कर सकते हो बट आपका फर्स्ट लाइन में एड्रेस हटा जाएगा, सेकंड लाइन का यूज नहीं होता है, आप उसको छोड़ देना। अब गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टाउन स्लैश सिटी, तो आप लोग को कौन सा यहाँ पे सिटी लिखना है। गाइस आधार कार्ड में दिया रहता है, यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाता हूँ, जैसे गाइस आप लोग का यहाँ पे सिटी दिया रहेगा, जब एड्रेस फिनिश होगा तो लास्ट में यहाँ पे दिया रहता है कि आप किस सिटी के हों, उसी सिटी को यहाँ पे आपको लिखना है। एड्रेस आपका फिनिश होगा, यहाँ पे लास्ट में दिया रहेगा सिटी, तो आप लोग उस सिटी को यहाँ पे आप लिख देना। अब गाइस यहाँ पे देखने को मिलेगा पोस्टल कोड, पोस्टल कोड का मतलब होता है पिन कोड, पिन कोड कहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो एड्रेस है, एड्रेस के जस्ट नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 6 डिजिट का कोड देखने को मिलेगा। गाइस पोस्टल कोड को पिन कोड कहा जाता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पिन कोड है 2721, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2721, जो भी आपका पिन कोड रहेगा यहाँ पे आप लिख देना। अब गाइस यहाँ पे नीचे साइड आपको देखने को मिलेगा स्टेट, आप किस स्टेट के हों, जैसे मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो यहाँ पे मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करूँगा, आपको जो भी स्टेट रहेगा यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना। अब गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फ़ोन नंबर, तो गाइस फ़ोन नंबर में आपको गलती नहीं करना है, यहाँ पे आपको मिस्टेक नहीं करना है, इससे पहले आप इन्फॉर्मेशन भरे थे और अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर दिए थे, तो उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे आपको नहीं देना है, आप मम्मी का मोबाइल नंबर या पापा का मोबाइल नंबर यहाँ पे आप दे देना। और गाइस आप लोग के माइंड में एक चीज़ और चलता है, जैसे मैं आधार कार्ड लिया हूँ जिनका, अब इनके आधार कार्ड में कोई नंबर वेरीफाई है तो वो नंबर मैं यहाँ पे दूंगा कि अलग दे सकता हूँ। गाइस ऐसा मैटर नहीं करता कि आधार कार्ड से कोई नंबर वेरीफाई है तो वही देना है, आप लोग अपना मोबाइल नंबर दीजिए जो मोबाइल नंबर ऑन है, जैसे मम्मी का या पापा का मोबाइल नंबर ऑन है तो वही मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको देना है। फिर गाइस यहाँ पे आप सबमिट पे आप क्लिक कर देना, अब जैसे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे गाइस ये पेज लोडिंग होगा और आपके सामने ऐसा कुछ पेज देखने को मिलेगा, यहाँ पे लिखा है रीडायरेक्ट टू यूट्यूब नीचे साइड देखने को मिलेगा, तो इस पर आप क्लिक कर देना। अब जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो ये पेज आपको रीडायरेक्ट कर देगा YT स्टूडियो के पेज में।
अब गाइस यहाँ पे आप देखोगे ये जो सेकंड ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, जो प्रॉब्लम आप लोग का था सेटअप एडसेंस फॉर यूट्यूब का, ये सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो लिखा है इन प्रोग्रेस। गाइस इन प्रोग्रेस आपका क्यों है मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। अभी आप गूगल एडसेंस क्रिएट किए हो, अभी आप लोग गूगल एडसेंस बनाए हो तो लगभग 6 से 7 घंटा वेट करना पड़ेगा। 6 से 7 घंटे के अंदर आपका गूगल एडसेंस बन जाएगा और ये जो इन प्रोग्रेस है यहाँ से हट जाएगा, आपका यहाँ पे ग्रीन टिक लग जाएगा, मतलब सेकंड स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे लिखा रहता है गाइस 2 से 3 वीक लगेगा गूगल एडसेंस बनने में, यहाँ पे ऐसा बोलता है, बट उतना टाइम नहीं लेता है। 6 से 7 घंटे के अंदर ये जो इन प्रोग्रेस है आप लोग का यहाँ से हट जाएगा और आप लोग का सेकंड स्टेप में ग्रीन टिक लग जाएगा। तो गाइस आप लोग समझ गए कि कैसे आप लोग को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, सेटअप एडसेंस फॉर यूट्यूब का जो प्रॉब्लम था कैसे सॉल्व करना था। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग 101% सीख गए होंगे, सही से सीखे होंगे कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। गाइस वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को आप सब्सक्राइब जरूरी कर दें।